हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके असाइनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली ये टीचिंग कोर्सेज में आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इन एमएड एंड कुछ बीएड कोर्सेज में भी। यहाँ पे है कि क्वेश्चन इज कि इंट्रैक्शन विद प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑन कॉलेज एनवायरमेंट। तो ये स्कूल पे भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि स्कूल एनवायरमेंट है तो उसके बारे में मिल सकता है कि आप एक जो है इंट्रैक्शन करें किसके साथ, अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर्स के साथ और अदर नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, ये रिपोर्ट बनाने के लिए कि आपके कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा है या आपके स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है। कैसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो आंसर लगभग सेम ही रहेगा, थोड़े से वर्ड्स आपको बस कॉलेज की जगह स्कूल लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आंसर अटेंड करना है एंड काफी बड़ा आंसर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, मैं आपको पूरा आंसर दिखाऊंगी, इसका रिपोर्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे ऑन 23rd नवंबर 2021, जिस भी डेट को आपकी इंट्रैक्शन रही। अगर रियल में आपका इंट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप कोई भी रैंडमली वर्किंग डेट डाल सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे ऑन 23rd नवंबर 2021 आई हैव कंडक्टेड एन इंट्रैक्शन विद आर कॉलेज प्रिंसिपल मैनेजमेंट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रू, किसके थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, या रियल में हुई थी तो आप लिख सकते हैं इन द स्टाफ रूम या इन द प्रिंसिपल रूम या इन द लाइक हॉल ऑफ द स्कूल, हॉल ऑफ द कॉलेज, जहां पे भी हुई, ठीक है। तो ये ऑनलाइन हुई थी तो यहाँ पे गूगल मीट लिखा है, ठीक है, जिसमें और अदर कलीग्स भी थे, ठीक है। एक स्टूडेंट मतलब आप तो थे, आपके साथ और बच्चे भी थे। वी वर 5 स्टूडेंट्स इन दिस मीटिंग एंड टर्न बाय टर्न एवरी स्टूडेंट इंटरेक्टेड विद द स्टाफ, कि सभी स्टूडेंट्स ने बारी बारी से स्टाफ के साथ इंटरेक्ट किया। 5 बच्चे थे, आप चाहे तो ज्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि जनरली एक बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा, ग्रुप वाइज होता है ये ऐसा इंटरेक्शन, तो उसमें लाइक 5 बच्चे 10 बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और वो सब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द इंट्रैक्शन वॉज वेरी पॉजिटिव एंड लर्निंग, तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन रहा, लर्निंग डेज रहा। द इंट्रैक्शन स्टार्टेड विद ग्रीटिंग बाय द स्टूडेंट्स टू द प्रिंसिपल एंड अदर स्टाफ एज वेल। तो यहाँ पे कैसे इंट्रैक्शन हुआ कि जो प्रिंसिपल के साथ है उनको पहले लाइक ग्रीटिंग्स हुई सबके साथ आपस में, ठीक है, और उसके बाद आपने स्टार्ट किया इंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीज है उसको सबसे पहले ग्रीटिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है, कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड लवेबल टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है। कॉलेज वी ऑल नो कि एक बहुत ही मेमोरीज हमारी जुड़ी होती है, ऐसे ही स्कूल से भी जुड़ी होती है, राइट, और सबको अपने कॉलेज की या स्कूल के दिनों की बातें याद रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, बहुत इंजॉयबल टाइम ये होता है। कॉलेज एनवायरमेंट एक्सपोजेस अस टू होल न्यू एक्सपीरियंस विच इज ऑलवेज ड्रीम ऑफ एक्सपीरियंसिंग आफ्टर द स्कूल लाइफ। बोथ कॉलेज लाइफ एंड द स्कूल लाइफ आर द मेमोरेबल, ठीक है, पार्ट ऑफ आर लाइफ। तो ये कुछ बातें, अच्छी बातें जो जनरली कॉलेज के बारे में है या स्कूल के बारे में भी है। इट प्रिपेयर्स अस फॉर रेस्ट ऑफ आर लाइफ, ठीक है। तो एक लाइफ के देखिए ऐसे लेसन्स हम यहाँ से लेते हैं और ऐसी डिग्रीज लेते हैं जो हमें रेस्ट ऑफ द लाइफ याद आती हैं। दिस वॉज सेड बाय द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इन द इनिशियल इंट्रैक्शन। तो देखिए ऐसी ये सब बातें कॉलेज के बारे में किसने बताई, ये सब बातें बताई प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के मेंबर्स ने। ज्यादातर देखिए ऐसी बातें हम नहीं कर पाते हैं मीटिंग में बिकॉज हमारा हम छोटे हैं, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बातें जनरली प्रिंसिपल या मैनेजमेंट की साइड से की गई कि भाई सब बच्चों के लिए एक यादगार चीज रहे कॉलेज, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर, तो वो ऐसे करके टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की आप लाइंस लिखें और फिर आप लास्ट में लिखें कि ये बातें प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के द्वारा कही गई, कब, इंट्रैक्शन में, इनिशियल लेवल का जो इंट्रैक्शन था, शुरुआती इंट्रैक्शन में। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वट एवरी पर्सन कैन रिलेट विद हिज और हर लाइफ। और देखिए जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, मतलब जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के द्वारा कही गई हैं, वो सबके लिए हैं, आप भी रिलेट कर सकते हैं, आपकी कॉलेज और स्कूल लाइफ की भी ऐसी ही होंगी। आर कॉलेज मैनेजमेंट एंड टीचर्स टोल्ड अस अबाउट वट दे प्लान फॉर कीपिंग अ सुटेबल एंड
वार्मिंग एनवायरनमेंट इन द कॉलेज कैंपस। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई क्या हम करते हैं कि कॉलेज का माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, दे टोल्ड अस अबाउट द फॉलोइंग कंसर्न फॉर द सेम। अब देखिए, कुछ फिजिकल सेफ्टी जो यहाँ पे कॉलेज रखता है वो किस प्रकार की है। पहला है यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं और जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं, मतलब एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 24/7, प्लस वहाँ पे कैमरा की सर्वेलेंस भी रहती है जो कि 360 डिग्री है। ठीक है, तो वो आपके गेट्स को अंदर बाहर बिल्कुल अच्छे से जो वहाँ पे कैप्चर करता है, उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं प्रॉपरली। तो इस तरीके से जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं, जहाँ से कोई आ और जा सकता है। फिर यहाँ पर है कि पूरे कैंपस में जो कि है CCTVs वो लगे हुए हैं, जो कि अच्छे हैं, नाइट विजन के साथ हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हो। और यहाँ पे 90-95% कवर करते हैं कॉलेज कैंपस को। देखिए, कुछ जगह पर जहाँ CCTVs नहीं होते हैं, वो होते हैं वॉशरूम्स, ठीक है, या कुछ और सेंसिटिव एरिया जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, या वहाँ पे भी हो मे बी, तो प्रिंसिपल रूम हो गया, अंदर का स्टाफ रूम हो गया, तो यहाँ पे सर्वेलेंस के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बिकॉज फीमेल स्टाफ भी होता है और कुछ यहाँ पे सेंसिटिव चीजें हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे, इसलिए 90-95% बिल्डिंग में हमेशा क्या होते हैं, कैमराज होते हैं, कुछ एरियाज को छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है, ये दो आ गए फिजिकल सेफ्टी के लिए, और फिर आप लिखेंगे रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट, कि यहाँ पे रैगिंग के लिए भी अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट्स हैं, जो कि कॉलेज इस चीज पे बहुत ध्यान रखता है, बहुत स्ट्रिक्ट है इसके प्रति। इन आवर इंस्टीट्यूट इफ एनी स्टूडेंट फाउंड इंडल्जिंग इन एनी एक्टिविटी विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रैगिंग, देन ही शी बिकम लाइएबल टू एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स। कौन कौन सी पनिशमेंट्स? पहला है सस्पेंशन हो सकता है उस बच्चे का, मतलब वो सस्पेंड हो सकता है, चाहे वो हॉस्टल में करे या इंस्टीट्यूशन में हो। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी करेगा तो सस्पेंशन होगा। देन विद होल्डिंग ऑफ रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स भी रोक दिए जा सकते हैं। देन डिबेयरिंग द रिप्रेजेंटेशन इन इवेंटली, फिर यहाँ पर है कोई भी इवेंट है उससे मतलब निकाल देना रिप्रेजेंट करने से। देन FIR वगैरह भी बिल्कुल फाइल होगी, वो डिपेंड करता है कि लेवल क्या है रैगिंग का। अब देखिए, चाहे छोटी रैगिंग हो या बड़ी, पर गलत तो गलत ही होता है, तो FIR बिल्कुल लॉन्च होगी। एनी टाइम विच द डिसिप्लिनरी कमिटी फाइंड सुटेबल एज पर द इंक्वायरी कंडक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, और इसके बाद ये पॉइंट्स देखिए डिस्कस किए गए कॉलेज मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उनका उनकी जिम्मेदारी ये ज्यादा है, टीचर्स को इनके प्रति इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, बट ये रूल्स वगैरह सब कुछ सेट कौन करता है? मैनेजमेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब नॉन टीचिंग स्टाफ भी कुछ बोलेगा, ऑब्वियसली इंट्रैक्शन है तो उनका पार्ट भी डालें, कम पार्ट होगा उनका बट कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। द नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट देयर रोल इन कीपिंग द कॉलेज एनवायरमेंट सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो उनका भी मतलब अच्छा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। दीज वर द मेन पॉइंट्स वी हैव इंट्रैक्टेड इन द गूगल मीटिंग। ठीक है, गूगल मीट मीटिंग, एंड इट वॉज रियली अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो अब लास्ट में रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप थैंक करेंगे, दैट आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रिंसिपल सर, टीचर्स, मैनेजमेंट एंड द अदर नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर पुटिंग देयर अटेंशन ऑन, अटेंशन की स्पेलिंग ठीक कर लें, TION होगा, ऑन कॉलेज सेफ्टी एंड टेकिंग इट वेरी सीरियसली, ऑल्सो फॉर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज सेफ्टी इन एप्लीकेशन टू द कैंपस। ठीक है, या विद अस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा ये आपका इंट्रैक्शन की रिपोर्ट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर और कोई आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है एंड यू वॉन्ट मी टू आंसर दैट ऑल्सो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इसका PDF, विच इज़ अ पेड PDF, बहुत कम चार्जेस के साथ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो जिसको भी PDF डाउनलोड करना हो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में सब कुछ है, आप वीडियो को पॉज करके देख कर भी लिख सकते हैं। थैंक यू।